जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना और मेरी जो पहली मीटिंग थी अफसरों के साथ, और उसमें ध्यान में आया कि हम गर्ल चाइल्ड एजुकेशन में देश में 20 नंबर पे खड़े थे, आई वॉज शॉक। मैंने कहा हम गुजरात के लोग इतने फॉरवर्ड स्टेट, डेवलप स्टेट मानते हैं, क्या हो गया हमारे राज्य को? हमारे अफसरों के पास जवाब नहीं था। तो हमने सोचा इसको हमने जिम्मा लेना चाहिए, कुछ करना चाहिए। हमने गर्ल चाइल्ड एजुकेशन का मूवमेंट चलाया, और गर्ल चाइल्ड एजुकेशन का मूवमेंट यानी जून महीने में मैं खुद गांव में जाता हूं, जबकि यहां टेम्परेचर होता है 45 डिग्री, हम जाते हैं 3 दिन गांव में रहते हैं, लोगों से मिलते हैं। और स्थिति आई, हम लगातार पिछले 10 साल से इस काम को कर रहे हैं, आज 100% एनरोलमेंट हम सफल हुए हैं। और जब मैं 100% कहता हूं, फिर वो सेकुलरिज्म की डिबेट रह जाती है बाजू में, क्योंकि 100% आया मतलब सब आ गए, फिर वो जो बेकार में समाज को तोड़ने फोड़ने की भाषा होती है उसका कोई रोल ही नहीं रहता है, अपने आप सॉल्यूशन निकल जाता है।